राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि हम जहां जाएं सब लोग हमको देखते ही हमारा सम्मान करें, हमको महत्व दें, अर्थात हम सबका वशीकरण एक बार में कैसे करें। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा तंत्र, कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसी युक्ति हमें मिल जाती तो जो हमें सिर्फ देखता एक बार वह हमारे बस में हो जाता। अनेकों माताओं का, बहनों का, भाइयों का ऐसा प्रश्न होता है कि कुछ ऐसा उपाय हो जिससे हम जिसको देखें या कोई भी हमें देखे तो वह हमारे बस में हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा ही प्रयोग लेके आया हूं। इस प्रयोग के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण की भावना यदि आपके अंदर है तो यह प्रयोग विधि करिए और चमत्कारिक रूप से इसका फल आप देखेंगे। किसी को धोखा देने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, क्षति पहुंचाने की दृष्टिकोण से कदापि भी वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्ता अगर टूटने की कगार पर आ रहा है, रिश्तों में दूरियां बनती जा रही है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मित्र है, भाई बहन है, पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता, माता पुत्र का या भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, या आप एक गृहिणी हैं, अपने ससुराल में हैं और वहाँ आप लोग का संबंध ठीक नहीं हो रहा है, आपका संबंध पति के साथ, सास ससुर के साथ, देवरानी जिठानी के साथ, ननद के साथ या जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, अगर उनमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के बात बात पर क्लेश, क्लाइसिस, तनाव का माहौल बना हुआ है, तो इस विधि का प्रयोग करेंगे अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करें और उनसे मानसिक रूप से इस प्रक्रिया में सफलता के लिए मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें और उनसे ही मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी एकांत कमरे का चयन करें जहां शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना हो। एक आसन का प्रयोग करना है आपको बैठने के लिए। आसन ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए। कुश का आसन ले सकते हैं, कंबल का आसन ले सकते हैं या ऊन से बने आसन ले सकते हैं। और जब भी आप बैठते हो तो यह ध्यान दीजिएगा कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अर्थात गर्दन की हड्डी, कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। न बहुत आपको तन के बैठना है, न बहुत झुक करके बैठना है। और सुविधा अनुसार एक माला का प्रयोग कर लें और मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु का सिंदूर की माया, सिंदूर नाम तेरी पत्ती, कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति, सिंदूर पढ़ी में लगाऊं, बिंदी बस अमुक होके रहे निर्बुद्धि, महादेव की शक्ति गुरु की भक्ति, न बसी हो तो कामरू कामाख्या को दुहाई, आदेश हाड़ी दासी चंडी का अमुक का मन लाओ निकाल, नहीं तो महादेव पिता का बाम पढ़ जाए लाग, आदेश आदेश आदेश। एक बार पुनः सुन ले। ओम नमो आदेश गुरु का सिंदूर की माया, सिंदूर नाम तेरी पत्ती, कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति, सिंदूर पढ़ी में लगाऊं, बिंदी बस अमुक होके रहे निर्बुद्धि, महादेव की शक्ति गुरु की भक्ति, न बसी हो तो कामरू कामाख्या को दुहाई, आदेश हाड़ी दासी चंडी का अमुक का मन लाओ निकाल, नहीं तो महादेव पिता का बाम पढ़ जाए लाग, आदेश आदेश आदेश। विधि क्या है जरा यह भी समझ लें। चांदी की डिब्बी में सिंदूर लेकर इसे घर की छत पर खुले स्थान में पूर्णमासी की रात में रख दें।
डिब्बी इस तरह से रखें कि चांदनी इस पर पड़ती रहे। सुबह सूर्योदय से पूर्व इसे उठा लाएं व अपने सिरहाने के नीचे रखें। सोमवार की रात्रि को थोड़ी सी ब्रांडी दूध में मिलाकर शरीर पर इसकी मालिश करें, सिर पर भी इसे लगाएं। तत्पश्चात स्नान करके नृत्य कोण की ओर मुख करके बैठें व दाहिने हाथ में सिंदूर को डिबिया रखकर 1100 मंत्र का जाप करें। यह कार्य निर्वस्त्र होकर करना चाहिए। फिर सिंदूर का टीका लगाकर आप जिस व्यक्ति के सम्मुख जाएंगे वह आपके वशीभूत होगा। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।